मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम इस मूवी की मेन कैरेक्टर एलिस को देखते हैं जिसकी आंख एक वॉशरूम में खुलती है। एलिस वहां से उठकर जब उस जगह को चेक करती है तब उसे पता चलता है कि वो यहां पर बिल्कुल अकेली है और वो उस जगह को एक्सप्लोर करने लगती है। इसी दौरान वो एक लेजर रूम में आ जाती है। ये लेजर रूम एक अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन नामी कंपनी का था। असल में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन मेडिसिन और ड्रग्स की कंपनी है, लेकिन इसके अलावा इस कंपनी के बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं। जैसे इन्होंने टी वायरस बनाया और उस वायरस को यूज करके वो सारे क्रिएचर्स बनाए, और देखते ही देखते उस रूम का लेजर एक्टिवेट हो जाता है। एलिस खुद को एक सीक्रेट रास्ते के जरिए सेव करते हुए उस जगह से निकल जाती है। वहां से निकलकर हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और अचानक से वहां पर ड्रोन मशीन एक्टिवेट हो जाती है जिसमें से बहुत सारी गोलियां निकलती हैं और एलिस यहां पर मारी जाती है। तभी वहां पर कुछ साइंटिस्ट आते हैं और वो एलिस की डेड बॉडी को कहीं पर फेंकने जा रहे होते हैं। जब वो लोग एलिस की डेड बॉडी को थ्रो करने लगते हैं तब हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एलिस की बहुत सारी डुप्लीकेट्स पड़ी हुई हैं जो कि मर चुकी हैं। और यहां पर हमें पता चलता है कि जिस एलिस की अभी डेथ हुई है वो असल में एक रियल एलिस नहीं है, बल्कि वो एलिस की कॉपी थी जिसे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के एक डॉक्टर ने बनाया था। और एलिस की डुप्लीकेट्स उन्होंने असली एलिस के खून से बनाई थी। पूरी दुनिया का हाल दिखाते हुए हमें बताया जाता है कि टी वायरस की वजह से पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो चुकी है और इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा जिनमें इंसान, जानवर, रिवर्स शामिल है सिवाय चंद लोगों के। और जितने भी लोग सर्वाइवर हैं वो इस बात से वरिड हैं कि उन ज़ॉम्बी से कैसे बचा जाए। इसके बाद हमें असली एलिस दिखाई जाती है जो कि अपनी बाइक पर बैठकर सिटी के किसी एरिया में जा रही होती है। एलिस के पास एक रेडियो भी था जिसके जरिए वो पूरी सिटी की एक्टिविटीज जान रही थी। एलिस को रेडियो पर एक मैसेज मिलता है कि हम मुसीबत में हैं, हमें हेल्प चाहिए, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। और एलिस उन लोगों की हेल्प करने के लिए उस जगह पर पहुंच जाती है। और यहां पर हमें पता चलता है कि जिन लोगों ने एलिस को हेल्प के लिए बुलाया था वो अच्छे लोग नहीं थे, बल्कि वो एक गैंग था जो लोगों को मदद के बहाने यहां पर बुलाते थे और उन्हें लूटने के बाद जान से मार डालते थे। और अब वो लोग एलिस को भी पकड़ लेते हैं। अब क्योंकि एलिस उन लोगों की निस्बत कई ज्यादा पावरफुल थी और वो उन सबको मार देती है और वहां से वेपन्स उठाकर आगे बढ़ जाती है। एलिस के कुछ साथी जो कि सर्वाइवर्स थे वो खुद को और बहुत सारे लोगों को सेव कर किसी सेफ प्लेस के लिए जा रहे थे। वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि शहर का कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां पर ये वायरस नहीं पहुंचा और वो कहीं पर भी वायरस से अफेक्टेड ज़ॉम्बी से बचकर नहीं रह पाएंगे। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का मेन ऑफिस दिखाया जाता है जहां पर कुछ सीनियर ऑफिसर्स अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की सक्सेस और उसे मजीद आगे बढ़ाने की बातें कर रहे होते हैं। और वहीं पर हमें अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का सबसे इंटेलिजेंट पर्सन जो कि इस कंपनी का ऑनर होता है वो दिखाया जाता है। कंपनी का ऑनर डॉक्टर आइजक से पूछता है कि क्या तुमने इस वायरस से बचने के लिए कोई टी वायरस बनाया है, यानी इस वायरस से बचने का तुम्हारे पास कोई तोड़ है जिससे हमारे साथ साथ बाकी लोग भी सर्वाइव कर सके। डॉक्टर आइजक वही डॉक्टर है जिसने वायरस बनाया था और एलिस के ब्लड को यूज करके उसकी इतनी सारी डुप्लीकेट्स बनाई। डॉक्टर आइजक कहते हैं कि मुझे अब तक इस वायरस का कोई तोड़ नहीं मिला क्योंकि वायरस को खत्म करने के लिए मुझे असली एलिस की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ एलिस ही है वो जिसने इस वायरस को बर्दाश्त किया, बल्कि यही नहीं उसने इस वायरस के साथ ऐसा कनेक्शन बनाया कि वो ज़ॉम्बी बनने की बजाय और पावरफुल बन गई। क्योंकि वायरस और टी वायरस की वजह से लोग ज़ॉम्बीज बन जाते थे चाहे वो फिर जिंदा हो या मुर्दा, लेकिन एलिस तो और पावरफुल बन गई है और एलिस ही है जो हमारे पास आखिरी उम्मीद है। तब उस कंपनी का ऑनर डॉक्टर आइजक को कहता है कि चलो मैं तुम्हें थोड़ा और टाइम दे देता हूँ, जितनी जल्दी हो सके इस टी वायरस का तोड़ निकालो और अगर तुम ऐसा करने में कामयाब ना हुए तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। एलिस जो कि बिल्कुल अकेली होती है और अब उसका पेट्रोल भी खत्म हो गया था और वो एक पेट्रोल पंप के पास जाती है। वहाँ उसे पेट्रोल तो नहीं मिलता लेकिन एक बुक मिल जाती है। उस बुक में एक मैप था और उसके साथ कुछ ऐसी जगहों को मेंशन किया गया था जहाँ पर टी वायरस का अभी तक कोई नामोनिशान नहीं है। उन सेफ प्लेसेस में से एलिस एक के बारे में सोचती है कि अगर मैं यहाँ पर चली जाती हूँ तो हो सकता है कि वहाँ पर कुछ जीने की उम्मीद नजर आए, क्योंकि वो टी वायरस अभी तक वहाँ पर पहुँच नहीं पाया। एलिस के साथ ही एक लोकेशन पर पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचकर वो सोचते हैं कि यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए शायद खाना मिल सकता है और अगर ऐसा हुआ तो वो लोग वहाँ पर स्टे भी कर लेंगे। लेकिन वहाँ पर कुछ टी वायरस से इफेक्टेड ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं। इस हमले के दौरान एक ज़ॉम्बी एक सर्वाइवर लड़के को काट लेता है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है।
लेकिन वो ये बात किसी को भी नहीं बताता कि उसे जोम्बी ने काट लिया है और वो सबके साथ नॉर्मल बिहेव करता है। सब जोम्बिस को मारने के बाद वो लोग सोचते हैं कि अब ये जगह बिल्कुल सेफ है और हम यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। उन लोगों को वहाँ पर रात हो जाती है। रात को हम देखते हैं कि एलिस को अपने पास्ट की कुछ बातें याद आ रही थी और वो सोचती है कि उसके ऊपर कितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे जब वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में थी। और जहाँ तक पावर्स की बात की जाए, अब उसके पास सुपर नेचुरल पावर भी थी और यहाँ पर उसकी सुपर नेचुरल पावर एक्टिवेट हो जाती है और उसके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें होती हैं वो हवा में फ्लाई करने लगती है। हवा में उड़ने वाली चीजों में एलिस की बाइक भी थी। एकदम से एलिस की आंख खुलती है और वो सब चीजें नीचे आकर गिरती हैं और एलिस का बाइक टूट जाता है। अब आगे बढ़ने के लिए एलिस के पास कोई भी रास्ता नहीं होता और तब वो अपना रेडियो ऑन करती है। रेडियो पर उसे एक न्यूज मिलती है और वो न्यूज उसके साथियों में से एक लड़की की थी। वो लड़की अपनी लोकेशन बताते हुए कहती है कि हम उस जगह पर हैं और बिल्कुल सेफ हैं। तो अगर कोई सर्वाइवर बचा है तो वो हमारे पास आ सकता है ताकि हम आपकी हेल्प करें। अब एलिस के पास और कोई रास्ता तो होता नहीं, तो वो उन लोगों की टीम को ज्वाइन कर लेती है। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में डॉक्टर आइजैक नए ज़ॉम्बीज पर अपने कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। वो एलिस के खून से बनाए गए एंटीवायरस को एक ज़ॉम्बी में इंजेक्ट करता है। एंटीवायरस की वजह से उन ज़ॉम्बीज में अब थोड़ी बहुत समझ आ गई थी, यानी सिंपल अगर कहा जाए तो उनमें अकल आ गई थी। जैसे वो रिसीवर उठाकर कॉल पिक करने के काबिल हो गए थे, क्वेश्चंस के आंसर कर रहे थे और यही नहीं बल्कि न्यू ज़ॉम्बीज पजल्स को भी सॉल्व कर रहे थे। लेकिन जब उस ज़ॉम्बी के पास खड़े हुए साइंटिस्ट उसे कुछ मुश्किल पजल सॉल्व करने के लिए दे देते हैं, तब उसे काफी गुस्सा आ जाता है। अब जाहिर सी बात है, वो पजल अगर उसके लिए मुश्किल था तो वो उसे नहीं सुलझा पाया होगा और पजल को ना सुलझाने पर वो उन साइंटिस्ट पर अटैक कर देता है। एलिस के साथी जिस जगह पर होते हैं वहाँ पर कौवे आकर बोलने लगते हैं। वो कौवे काफी अजीब नजर आ रहे थे क्योंकि अब वो भी टी वायरस का शिकार हो गए थे और वो कौवे भी इन्फेक्टेड हो गए थे। और देखते ही देखते एक एक करके वहाँ पर बहुत सारे कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। अब एलिस के साथी पुलिस ऑफिसर्स इस बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि अगर इन कौवों ने हम पर अटैक कर दिया तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और जब वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं तब वो सारे कौवे उन पर अटैक कर देते हैं। वो सब लोग अपनी अपनी गन्स निकाल कर उन कौवों को शूट करने लगते हैं। लेकिन इसका क्या फायदा था जब वो कौवे तादाद में इतने ज्यादा जो थे। तब एक पुलिस ऑफिसर फायर मशीन निकाल कर उन कौवों को जलाने की कोशिश करता है। वो सोचते हैं कि शायद कौवे जलकर मर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो कौवे नहीं मरते। इसी दौरान वहाँ पर एलिस आ जाती है। एलिस अपनी सुपर नेचुरल पावर को यूज करके उस फायर मशीन पर अपना कंट्रोल कर लेती है और पूरे आसमान में आग फैला देती है जिससे वो कौवे जलकर मर जाते हैं। और इस तरह से एलिस उन सब की हेल्प करके उन्हें सेव कर लेती है और वो सब एलिस को थैंक्स बोलते हैं। एलिस उन्हें बताती है कि मुझे एक जगह का पता चला है, अगर आप सब लोग मेरे साथ वहाँ पर चले जाएंगे तो हो सकता है कि हम लोग सेफ हो जाएं। तब एक फीमेल ऑफिसर कहती है कि हम इतने अरसे से कॉन्टिन्यूसली सफर ही किए जा रहे हैं और जब हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था तब हम तादाद में बहुत ज्यादा थे और कम होते होते अब हम बहुत ही ज्यादा कम हो गए हैं। वो कहती है कि मैं इतने सारे लोगों की जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर तो नहीं ले सकती और हमें उन लोगों से पूछना चाहिए, उनकी परमिशन लेनी चाहिए। और वही फीमेल सोल्जर उन सब सर्वाइवर से पूछती है कि हमें क्या उस जगह पर जाना चाहिए, अपना ओपिनियन दे। और सब लोग वहाँ पर जाने के लिए एग्री हो जाते हैं। और जब वो सोल्जर्स अपना पेट्रोल टैंक चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि हमारे पास तो पेट्रोल ही नहीं है उस जगह पर जाने के लिए, क्योंकि वो जगह काफी दूर है तो वहाँ पर हमें जाने के लिए जाहिर सी बात है काफी ज्यादा पेट्रोल चाहिए। तब एलिस उन लोगों को एक जगह के बारे में बताते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि शायद वहाँ पर पेट्रोल मिल सकता है। उस जगह पर पहुंचकर हम अपने फ्यूल टैंक्स भर लेंगे और उस सेफ प्लेस के लिए चल पड़ेंगे। और तभी वो लोग अपने थोड़े बहुत बचे हुए पेट्रोल का यूज करके उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में डॉक्टर आइजैक को इस बात का पता चलता है कि कहीं पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। अब पहले जैसे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का सुपर कंप्यूटर रेड क्वीन थी, यहाँ पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का सुपर कंप्यूटर व्हाइट क्वीन जो कि डॉक्टर आइजैक के पास होती है। व्हाइट क्वीन डॉक्टर आइजैक को बताती है कि मैंने एक लोकेशन पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट नोटिस किया है। वो कहती है कि मुझे 100% श्योर है कि वो एलिस ही है और अगर आप उस टी वायरस का तोड़ बनाना चाहते हैं तो आपको एलिस को पकड़ना होगा। और वो अपने कंप्यूटर्स को कुछ ऐसे सेटअप करता है कि सब कुछ उसी के कंट्रोल में आ जाता है। कंप्यूटर पर अपना कंट्रोल करके वो ज़ॉम्बीज की ऐसी मिलिट्री बनाता है जो जाकर एलिस से लड़ेगी। एलिस अपने साथियों के साथ पेट्रोल लेने के लिए
लिए एक जगह पर रुकती है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर आइजक की बनाई गई ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं। सब लोग अपनी गन्स निकाल कर उन ज़ॉम्बीज को शूट करने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज अब पहले से कई ज्यादा तेज और पावरफुल थे और इसीलिए फाइट के दौरान वो ज़ॉम्बीज 8 से 10 लोगों को मार डालते हैं। और यहाँ पर भी एलिस अपनी पावर को यूज करके उन सभी ज़ॉम्बीज को मार डालती है। अब जो कुछ इस जगह पर हो रहा था ये सब कुछ डॉक्टर आइजक के कंप्यूटर में भी कैप्चर हो रहा था। डॉक्टर आइजक अपने सेटेलाइट्स को ये ऑर्डर देते हैं कि एलिस की पावर को बंद कर दिया जाए, और थोड़ी देर के लिए एलिस की पावर सच में बंद हो जाती है। और यहाँ पर एलिस अपने सुपर नेचुरल पावर्स को यूज करके उस सेटेलाइट्स को ही डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर से एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होने के बाद वो देखते हैं कि डॉक्टर आइजक अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर पहुंचा हुआ है और वो उस टीम पर अटैक कर देती है। तब बहुत सारे ज़ॉम्बीज वहाँ पर आ जाते हैं और एक ज़ॉम्बी डॉक्टर आइजक को काट लेता है। आइजक खुद को सेव करने के लिए एक हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से चला जाता है। एलिस उस हेलीकॉप्टर को शूट करने लगती है, लेकिन एलिस ये सोचकर शूट नहीं करती कि ये हेलीकॉप्टर हमें उस सेफ प्लेस तक ले जाने में हेल्प करेगा, और इसीलिए वो उस हेलीकॉप्टर को वहाँ से जाने देती है। उनमें से एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को एक ज़ॉम्बी काट चुका होता है और वो भी इन्फेक्टेड हो गया था। वो पुलिस ऑफिसर उन लोगों को कहता है कि थोड़ी देर तक मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं ज़ॉम्बी बनूं मैं तुम्हारे लिए ट्रक में बैठकर एक रास्ता बना देता हूं ताकि तुम लोग यहां से सेफली निकल जाओ। लेकिन एलिस उस पुलिस ऑफिसर को जाने नहीं देती, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ता है। वो कहता है कि अगर तुमने मुझे वहां जाने ना दिया तो मैं भी एक ज़ॉम्बी बन जाऊंगा और तुम्हारे लिए खतरा बन जाऊंगा। और तब वो लोग उसकी बात मान लेते हैं और गाड़ी में बैठकर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के मेन ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अब जिस गाड़ी में वो सब सर्वाइवर्स थे वो एक जगह पर रुक जाते हैं और वो ट्रक जिसमें वो इन्फेक्टेड पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ था वो आगे चला जाता है। वो पुलिस ऑफिसर उन लोगों के लिए रास्ता बनाते हुए उन ज़ॉम्बीज को मारते हुए आगे बढ़ जाता है और एक जगह पर पहुंचकर अपना ट्रक ब्लास्ट करवा लेता है और मारा जाता है। वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उन लोगों के लिए वहां से निकलने का रास्ता बन जाता है। तब एलिस अपने साथियों के साथ उस हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ती है। एलिस जब वहां पर अपने डुप्लीकेट्स देखती है तब उसे काफी गुस्सा आता है और वो डिसाइड कर लेती है कि कुछ भी हो जाए वो डॉक्टर आइजक को नहीं छोड़ेगी और वो उसे मार डालेगी। एलिस एक फीमेल सोल्जर को कहती है कि तुम हेलीकॉप्टर में इन बच्चों को लेकर उस सेफ प्लेस पर चली जाओ, मेरा एक बहुत जरूरी काम रुका हुआ है, मैं उसे करके आती हूँ। और एलिस उस लैब के मेन एरिया में पहुंच जाती है और वहां पर वो व्हाइट क्वीन से मिलती है। एलिस व्हाइट क्वीन को कहती है कि अब से पहले मैं तुम्हारी सिस्टर रेड क्वीन से भी मिल चुकी हूँ, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। व्हाइट क्वीन एलिस को बताती है कि डॉक्टर आइजक अब काफी ज्यादा बदल चुका है क्योंकि डॉक्टर आइजक को ज़ॉम्बी ने काट लिया था और इसीलिए डॉक्टर आइजक ने उस ज़ॉम्बी वायरस से बचने के लिए तुम्हारे खून से बनी हुई मेडिसिन बहुत ज्यादा मिकदार में अपने अंदर इंजेक्ट कर ली है। व्हाइट क्वीन एलिस को कह दिया है कि ओवरडोज की वजह से आइजक अब एक इंसान नहीं रहा बल्कि वो एक खतरनाक किस्म की क्रिएचर में बदल गया है और इस वक्त वो इस लैब के बेसमेंट में है। व्हाइट क्वीन एलिस को बताती है कि तुम्हारे ब्लड में एक ऐसी चीज है जो टी वायरस का तोड़ बन सकती है और अगर तुम टी वायरस का तोड़ बनाना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा जिससे टी वायरस का एंटीवायरस बनाया जा सके, लेकिन एक बड़ी मुसीबत है और वो है डॉक्टर आइजक। अगर आइजक यहाँ पर रहा तो तुम कभी भी वो टी वायरस का एंटीवायरस बना नहीं पाओगी और इसीलिए तुम्हें सबसे पहले डॉक्टर आइजक को खत्म करना होगा। और एलिस यहाँ पर डिसाइड कर लेती है कि कुछ भी हो जाए अब तो वो डॉक्टर आइजक को जान से मार कर ही रहेगी। एलिस जब मारने के लिए बेसमेंट में जाती है तब उसे वहाँ पर उसकी और डुप्लीकेट्स मिलती है और जब वो अपने डुप्लीकेट्स देख रही होती है तब एक डुप्लीकेट एक्टिवेट हो जाती है और वो बाहर आ जाती है और एलिस अपने डुप्लीकेट को अपने रास्ते से हटा देती है और तभी वहाँ पर डॉक्टर आइजक एक क्रिएचर के रूप में आता है और उन दोनों के बीच एक अच्छी खासी फाइट होती है। अब क्योंकि दोनों में ही बहुत ज्यादा पावर थी तो दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ जाते हैं। लड़ते लड़ते वो उसी लेजर रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर लेजर रूम एक्टिवेट हो जाता है। लेजर एक्टिवेट होते ही वो डॉक्टर आइजक को काट डालता है और जब वो लेजर एलिस को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है तब एलिस की एक डुप्लीकेट एलिस की हेल्प करती है और वो उस लेजर मशीन को वहीं पर ही स्टॉप कर देती है। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में कुछ ऑफिसर्स और उस कंपनी का ऑनर इस बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि इस वायरस को कैसे रोका जाए, उसका तोड़ कैसे पॉसिबल हो और अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को कैसे सक्सेस दी जाए। और तभी वहाँ पर एलिस अपने होलोग्राम फॉर्मेट में पहुँचती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रही हूँ और इस मिशन में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। और तभी हमें एलिस की बहुत सारे डुप्लीकेट्स दिखाई जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।